ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। नमस्कार, बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। राहुल गांधी का हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल स्पष्ट है कि इधर उधर की बातें मत कीजिए, यह चुनाव आपके बारे में यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं है। इसलिए कहना बंद कीजिए कि लोग मुझ पे यह कहते हैं, मुझ पे यह कहते हैं, मुझे यह गाली देते हैं, वो गाली देते हैं। यह मुद्दा कर्नाटक की 6.5 करोड़ जनता के बारे में है और यह बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इंतजार करती है कि कोई विपक्ष का नेता कुछ कहे और उसे पकड़कर सहानुभूति की एक लहर पैदा करने की कोशिश की जाती है। और यही नहीं दोस्तों, विपक्ष के नेताओं को गलत ढंग से पेश भी किया जाता है, जो मैं आगे जाके आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले राहुल गांधी ने किस तरह से मर्म पर हमला किया है, कमजोर रग पर हमला किया है, मैं चाहूंगा आप उसे सुने। नरेंद्र मोदी जी, ये चुनाव आपके बारे में नहीं है, ये चुनाव कर्नाटक के जनता और कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। आप आते हो, आप अपने चीफ मिनिस्टर का नाम तक नहीं लेते हो, आप येदुरप्पा जी का नाम तक नहीं लेते हो। आपको ये बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या करवाया। जब आपको मालूम था कि कर्नाटक में 40% चोरी हो रही है, तो आपने क्या किया? आपने चोरी को रोकने की कोशिश की, आपने भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की कोशिश की, आपने एक कदम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? आपको ये भी कहना चाहिए कि अगले 5 सालों में आप क्या करने वाले हो। हमारी शुरुआत इन 5 कामों से होगी। आपकी शुरुआत कहाँ होगी? क्या 40% के बजाय आप 60% बढ़ा दोगे? जनता को ये बातें तो बताओ। दोस्तों, कांग्रेस जो है वो बहुत ही दिलचस्प अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही है इन चुनावों पर। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, एक बार कोड होता है। अब कांग्रेस अब तक एक बार कोड का इस्तेमाल कर रही थी, पे सीएम, और इस बार कोड में आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई का चेहरा दिखाई दे रहा है। अब इन्होंने एक और बार कोड का इस्तेमाल किया है, वो है क्राय पीएम। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार यही कहते हैं कि मेरे कब्र खोदने की बात होती है, मुझे गाली दी जाती है, रोज 2-2, 3-3 किलो गाली दी जाती है, मुझे सांप कहा जाता है। इसीलिए अब पे सीएम के साथ साथ क्राय पीएम। इसके मायने को समझिए दोस्तों। पे सीएम इसलिए क्योंकि बम्बई सरकार के बारे में यह बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है कि वो 40% कमीशन सरकार है, यानी कि हर डील में 40% कमीशन। और उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि खुद पर हो रहे राजनीतिक हमलों के बारे में अक्सर बातें किया करते हैं, इसीलिए क्राय पीएम। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अभी कुछ ही दिनों पहले उन पर हमला बोला था, और उनका संदेश साफ था कि प्रधानमंत्री मोदी सीखिए राहुल गांधी से। राहुल गांधी पर तो न जाने कितने अनर्गल हमले किए गए, मगर उसने रुदाली नहीं की। सुनिए प्रियंका ने कैसे हमला किया था। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है, बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं, और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे, आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा,
तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है मोदी, ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। दोस्तों, इन चुनावों में बहुत दिलचस्प हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट अलग अलग तरीकों से सामने उभर कर आ रही है। मैं आपको बताता हूं कैसे। मसलन, अमित शाह हर जगह ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीची जाति का कहा। वो हवाला दे रहे हैं आज से करीब 9 साल पहले दिए गए प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान का, जो उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले कहा था। मगर उसमें भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री को नीची जाति का नहीं कहा था, उन्होंने उनकी राजनीति को नीची राजनीति का कहा था। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि किस तरह की गलत बयानी देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। अमित शाह कहते हैं, सिर्फ खड़गे जी ही नहीं, सोनिया गांधी ने भी मोदी जी को मौत का सौदागर कहा। प्रियंका गांधी ने मोदी जी को नीची जाति का बता दिया था, लेकिन जब जब कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी को गालियां दी हैं, तब तब हम चुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह को लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बयानात जो दिए हैं कांग्रेस के नेताओं ने, उसके आधार पर एक सहानुभूति पैदा की जाए और कर्नाटक के चुनावों में जीत हासिल की जाए। वो कहावत है ना, भागते भूत की लंगोटी सही, डूबते को तिनके का सहारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी डूब रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी वहां से खरोंच लो, वहां से ले लो, जो जैसे तरीके से वोट आ जाए उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या आज से 9 साल पहले वाकई प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीची जाति का बतलाया था? तो हाथ कंगन को आरसी क्या दोस्तों, 8 साल पुराना उनका यह बयान आपके स्क्रीन पर। मोदी ने मेरे शहीद पिता का अपमान किया था, बूथ से मिलेगा इस नीच राजनीति का जवाब। प्रियंका गांधी ने सोमवार को यह कहते हुए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा कि उन्होंने अमेठी में अपनी रैली के दौरान उनके शहीद पिता राजीव गांधी का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इस नीच राजनीति का जवाब बूथ से मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कुछ और था और उसे अपने पक्ष में किस तरह से मोड़ा गया। याद कीजिए दोस्तों, आज से 5 साल पहले जब गुजरात के चुनाव हुए थे, तब इस शख्स मणिशंकर अय्यर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, मगर उस वक्त भी उसे उनकी जाति से जोड़ दिया गया था। तो यह काम लगातार बीजेपी करती है, और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की निगाह में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करना देशद्रोह है। मिलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी से, सुनिए वो क्या कह रहे हैं और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, ये भारत का अपमान करते हैं, भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान करते हैं। और इसलिए भारत का अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना या प्रधानमंत्री की आलोचना, ये उनके बारे में कुछ कहना देश का अपमान कैसे हो सकता है बताइए। यकीनन जो लोग एक चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मसलन जहरीले सांप का इस्तेमाल किया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाषाई मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। अच्छी बात यह है दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसके लिए बाकायदा माफी मांगी, जो अच्छी बात है, माफी मांगी भी जानी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों, भाजपा के एक विधायक बासना गौड़ा यतनल ने सोनिया गांधी को विषकन्या कहा था दोस्तों, कांग्रेस की एक बुजुर्ग नेता को विषकन्या, और उन्हें चाइनीज और पाकिस्तानी एजेंट बताया था।
और उसके लिए उन्हें अभी तक माफी नहीं मांगी है। मगर जब प्रधानमंत्री ने अपने आज तक किसी बयान के लिए माफी नहीं मांगी है तो बासन गौड़ा यतनल क्यों माफी मांगने लगे? याद कीजिए प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या कहा था, जर्सी काऊ, कांग्रेस की विधवा, शशि थरूर की स्वर्गीय पत्नी के बारे में कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और उसी तरह से ममता बनर्जी को किस तरह से ताना कसा था, दीदी और दीदी। और वो दीदी और दीदी पश्चिम बंगाल के चुनावों में बहुत भारी पड़ गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं बंगाल की संस्कृति, उसकी सोच को समझ नहीं पाए। मगर जो मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने किसी बयान के लिए माफी नहीं मांगी, तो जाहिर सी बात है कि बासना गौड़ा यतनल माफी क्यों मांगने लगे जिन्होंने सोनिया गांधी को एक विषकन्या बताया था। दोस्तों एक बात स्पष्ट है कि अब करो या मरो वाली स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मैदान में है, वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं जीत के लिए, और अब वो वक्त आ गया है कि भाई मोहब्बत और जंग में सब जायज है। याद कीजिए ईश्वरप्पा ने क्या बयान दिया था कि हमें मुस्लिम वोट्स नहीं चाहिए। उन्होंने ये तक कह दिया था कि भाई बिजली पानी सड़क मत मांगो, हम तुम्हें मुसलमानों से सुरक्षा दिलवा रहे हैं, तुम्हारी बेटियों को मुसलमानों से सुरक्षा दिलवा रहे हैं। कायदे से ईश्वरप्पा पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए थी, मगर हर बार की तरह चुनाव आयोग सोया हुआ है। याद कीजिए दोस्तों देश के गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा था, अमित शाह ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो दंगे होंगे। यही बात जेपी नड्डा ने कही थी। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि देश के गृहमंत्री अमित शाह को ऐसा क्या पता है कि उन्होंने अभी से इस बात की भविष्यवाणी कर दी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो दंगे होंगे। क्योंकि मैं नहीं भूल रहा हूं कि 2016 के या 15 के बिहार के चुनावों में आपने ये तक कह दिया था कि भाई अगर नीतीश और लालू जीत गए तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। ये पुराने पैतरे कब तक इस्तेमाल किए जाएंगे, बड़ा प्रश्न ये। भारतीय राजनीति के स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा अमित जी, हम रसातल में लगातार नहीं घुस सकते हैं। हम अपने ही देश के राजनेताओं को आतंकवादी कसाब से उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं जैसा कि आपने किया था, और अब आप यह कहते हैं कि साहब दंगे हो सकते हैं। क्या आप चेतावनी दे रहे हैं? क्या हालात आपके काबू में नहीं है, जिस तरह से दिल्ली में आपके काबू में नहीं थे मगर आपको कटघरे में कभी नहीं खड़ा किया गया? तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब 10 मई को 9 दिन बचे हैं, मुश्किल से 9 भी दिन नहीं है, तो दावा किया जा सकता है दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि साम दाम दंड भेद से तमाम कार्रवाइयां होंगी दोस्तों, बयानात दिए जाएंगे और बाजी आखिरी 2 दिनों में जाकर पलट सकती है। इंतजार करना पड़ेगा, मगर कर्नाटक के चुनाव बहुत दिलचस्प हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए एक बहुत जबरदस्त ताकत के तौर पर होगा, अगर बीजेपी हार गई तो दक्षिण से उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा। और यह ना भूलें इसका असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। आपने अगर भाजपा के चुनावी मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र पर गौर किया होगा तो इस चुनावी घोषणा पत्र में वो एनआरसी की बात कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, सामान आचार संहिता की बात कर रहे हैं या सामान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजों की वो बात कर रहे हैं, ऐसे मुद्दों की बात कर रहे हैं जिस पर राज्य सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, केंद्र सरकार के तर्ज पर ये फैसले होने हैं, यानी कि कर्नाटक के जरिए लोकसभा चुनावों को भी साधने की कोशिश की जाएगी। इसलिए ये कर्नाटक के चुनाव बहुत दिलचस्प हैं। और अगर मैं ये कहूं कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए क्वार्टर फाइनल है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, गलत नहीं होगा। अब इजहार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।